आज हम सीखेंगे कि हम नॉर्मल डेटा को ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा डेटा ले रखा है मंथ वाइज, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, और साथ में मैंने प्रॉफिट अमाउंट मेंशन कर रखा है कि कितना कितना हर महीने मेरा प्रॉफिट हो रहा है, और साथ में मैंने नीचे बार ग्राफिकली मैंने जो है उसको रिप्रेजेंट करा है। अब मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ कौन से मंथ में मेरा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट था और कौन से मंथ में मेरा सबसे कम प्रॉफिट था। तो देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मेरा मई मंथ पे था 45,000, सबसे कम में था जून में 11,000। तो अब यही बनाना हम सीखेंगे कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार ग्राफ को। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी आप सिंपल देख सकते हैं, डेटा है मेरे पास, मंथ दे रखे हैं और प्रॉफिट दे रखा है। आपने अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है, मंथ और मैंने प्रॉफिट अमाउंट दोनों यहां पर सेलेक्ट कर लिए। अब मुझे इसी का जो है बार ग्राफ बनाना है, तो इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे। देखिए ऊपर, सबसे ऊपर आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और साथ में आपको यहां पे चार्ट्स का जो है सेक्शन दिखेगा। यहां से आप कोई से भी चार्ट्स जो है उठा सकते हैं, बट अभी मैं रिकमेंडेड चार्ट पर क्लिक करता हूँ, ये हमें रिकमेंड करेगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सबसे ईजिएस्ट वे है चार्ट बनाने का। ये 2007 में हो सकता है ना हो, बट 2007 में ऑनवर्ड्स में आपको ज़रूर मिलेगा रिकमेंडेड चार्ट्स। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आपको रिकमेंड करेगा कि कौन सा चार्ट आपके डेटा में सही लगेगा। बट अभी हमें जो है बार ग्राफ बनाना है। देखिए इसने तीन ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है यहाँ पर लाइन ग्राफ, इसने क्लस्टर कॉलम दे रखा है मीन्स बार ग्राफ, देन लास्ट दे रखा है इसने स्कैटर्ड एरिया। तो अभी हमें जो यूज़ करना है वो क्लस्टर्ड कॉलम यूज़ करना है, मीन्स बार ग्राफ यूज़ करना है। तो मैंने इस पर क्लिक करा, ओके पे क्लिक करूँगा, तो देखिए यहाँ पर मेरा बार ग्राफ यहाँ पर मेरा तैयार हो जाएगा। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंपली मैंने रिकमेंडेड में जाकर वहाँ पर डेटा सेलेक्ट करा। अब मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इसको रिप्रेजेंट अच्छे से कर सकूँ। अब मैंने ये करा, अब यहाँ का इसका अगर आपको डिज़ाइन चेंज करना हो तो डिज़ाइन वाले आप देखिए, जैसे ही मैंने चार्ट लगाया तो ये डिज़ाइन वाला ऑप्शन यहाँ पर मेरा इनेबल हो गया। मैं इस पर ओके करूँगा तो डिज़ाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे मेरे पास डिज़ाइन है, मैं इसमें से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी मैं इसमें से एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, लास्ट वन सेलेक्ट कर लिया। देखिए मैंने लास्ट वन सेलेक्ट करने के बाद अब वहाँ पर डिज़ाइन में एक और ऑप्शन भी आता है, डिज़ाइन पर जाएंगे आप और यहाँ पर कलर्स भी आता है, चेंज कलर्स। इसमें आप, आपको जो भी कलर जो है सूटेबल लगे आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने लास्ट जो सेलेक्ट करा था मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने वो सेलेक्ट कर लिया है। अब बात आती है कि अभी तो आपको पता लग रहा है कि कौन से मंथ में ज़्यादा है, बट अभी भी आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे अमाउंट कितनी है वहाँ की। तो आप बार बार तो आप यहाँ पे जो है डेटा में जाके देखेंगे नहीं, तो आप ग्राफ पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं सीरीज जो जा रही है, इस सीरीज पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है। देखिए कैसे करना है, सीरीज पे क्लिक करा और राइट क्लिक करा, तो यहाँ पर नीचे देखिए आ रहा है ऐड डेटा लेबल। यहाँ से ऐड डेटा लेबल आप करेंगे, ओके पे क्लिक कर देने, सिंपल आप ऐड डेटा लेबल पे क्लिक कर दीजिए तो आपका लेबल ऊपर वहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब ये आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप पीछे की लाइंस भी आप रिमूव करना चाहें ताकि क्लियर आपका डेटा विजिबल हो, तो वो उस पर क्लिक करके लाइन पर देन डिलीट पे बटन पे क्लिक करें, अदरवाइज यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखिए अब आपका डेटा यहाँ पर कैसा लग रहा है, और पहले अगर बिना ग्राफ के आप दिखाते तो कैसा लगता है। तो अगर आप ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो इजीली आप फाइंड आउट कर पाएंगे। ऐसे कई सारे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।